वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद कनिका। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप देख सकते हैं, टाइटल से आपने देख लिया होगा, ट्राइंग चीपेस्ट नायका मेकअप लुक। सो आज मैं ट्राई करूंगी सारे मेकअप लुक जो जितने भी चीपेस्ट मैंने अपने नायका से मंगवाए हैं। सो वो कैसे आते हैं आप देख सकते हो। ये फुल लुक जो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, ये मैंने सारे नायका के चीपेस्ट मेकअप लुक से क्रिएट किया है और बहुत शानदार लुक क्रिएट हुआ है। बेस मेकअप, आई शेडो, लिपस्टिक, सब ऑन पॉइंट विद अफोर्डेबल ब्रांड्स। सो मैंने बहुत ज़्यादा चीप ब्रांड नहीं लिए, बट हाँ सारे लोएस्ट प्राइजेस के हैं और सारे ही अफोर्डेबल चीपेस्ट मेकअप हैं, बट सारे अच्छे ऑथेंटिक ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स हैं जिन जिनको मैंने लिया है और अपने फेस पे वेयर किया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ द बॉक्स, नायका बॉक्स। ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स आया है, इसके अंदर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जिससे मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया। होप आपको अच्छा लगे, और अगर आपको ये लुक अच्छी लगे और ये जो मेरा वीडियो है अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने अपना स्किन भी प्रेप कर लिया है और मैंने प्राइमर भी लगा लिया है। नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन। सारे प्रोडक्ट्स में मेंशन करूँगी। सो मैंने ये वाला लिया है जो सबसे सस्ता मेरे को नायका पे मिला था, ये है ब्यूटी पीपल का। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने फ़ोटो भी लगा दी है। सो ये ब्यूटी पीपल का है मूज फाउंडेशन विद प्राइमर बेस। इसमें प्राइमर ऑलरेडी, इसलिए मैंने प्राइमर मतलब मंगवाया नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी लगा लिया। और ये है वाटर प्रूफ, वेटलेस, लॉन्ग वेयर। तो मैंने इसको 2-3 बार ऑलरेडी लगा लिया है, बहुत अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम है, ये है मेरा 0-2 नेचुरल। ये जितनी भी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। जैसे मेरे ये रेडनेस रहती है, एक्नेज हैं, सो दिस इज़ माय नेचुरल फेस। सो इसके लिए मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये वाली फाउंडेशन बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा करती है। स्वेट प्रूफ तो है ये, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी आपको पसीना आपके फेस पे नहीं आएगा। अभी मैं 3-4 बार लगा चुकी हूँ। चलिए मैं इसकी ये आउटर पैकेजिंग दिखा दी, अभी इनर दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी मिल रही है ये हमें, और ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी होगी। वो मुझे अवेलेबल नहीं था, तो अब मेरे को ये वीडियो बनानी थी, दैट्स वाई मैंने मंगवा लिया। अब ये मेरा एकदम शेड का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं, बस एक चीज़ है जो ये लगाने पे अभी बताऊंगी मैं आपको। आप इस फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाएं। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है कलर बार का। सो आप देख सकते हैं, मैं एक मिरर ले लेती हूँ। तो ये आप इसको ऐसे डैब डैब करके भी लगाएं, पर जहाँ आपको लगता है पैचीनेस, वहाँ आप क्या करें, इसे थोड़ा सा ड्रैग कर दें, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ी सी है ऐसी। ठीक है, स्पीड तेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये फाउंडेशन कैसा काम करती है। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी फिनिश लगी इस फाउंडेशन की, मतलब 175 ऐसे समथिंग की है, पर ये क्या फिनिश देती है। मूज फाउंडेशन है और मेरे स्किन के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसने अच्छा काम किया है, है ना। ये इतनी लाइट वेट है कि आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो, और ये तब भी आपको हैवी नहीं लगेगी, ना ही लगेगी कि आपका बहुत ज़्यादा हैवी बेस है, ऐसा नहीं लगेगा। ये आप डेली वेयर में किसी भी पार्टी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो। ये फाउंडेशन आप देख सकते हैं इस तरीके से टर्न अप हुई है, मतलब मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी लगी। अगर मैं इससे पहले अपने फेस को कंसील कर लेती या ग्रीन करेक्टर से कर लेती तो ये और अच्छी फिनिश देती। तो अगर ये सब बिना करे आपको ये फिनिश मिल रही है, तो आई थिंक ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है। इसमें 3 शेड्स ही अवेलेबल है,
तो वो था ये इनसाइड का, जो मुझे सबसे सस्ता लगा और हाई कवरेज भी है इसकी और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। सो मैंने इसका कंसीलर लिया था, वो तो बहुत bomb.com था, तो मैं सोचा क्यों ना ये भी ट्राई किया जाए, इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं, लेट्स अप्लाई। तो ये शेड नंबर 1 है। वाह, व्हाट अ फिनिश, बहुत अच्छी है। जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे और जितना डैप डैप करके करेंगे, बहुत नेचुरल लुक आ रही है। हमें जल्दी नहीं करनी, थोड़ा टाइम लेके मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। सो मेरे लिए तो ये कंसीलर द बेस्ट कंसीलर है, आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और जो ये फाउंडेशन है, ये भी बहुत अच्छा है इन समर्स के लिए, फाउंडेशन बहुत अच्छा है और सस्ते में। ये दोनों प्रोडक्ट्स मुझे मुझे चाहिए था, कोई क्रीम ब्रशर हो जो नेचुरल लुक दे, तो वो ये है। तो ये है इनसाइड का मेकअप इजेंशियल, हाइलाइटर लिखा है लेकिन ये ब्लशर है, ठीक है। इसका है 01 सॉफ्ट सेलमॉन, इसका शेड है। इसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, एक्चुअली मेरा बर्थडे था तो मैंने बर्थडे के लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए, सोचा सस्ते वाले ही मंगा के देखती हूँ कैसे टर्न आउट होते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छे लगे, मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए। और मेरा मन भी था ट्राइंग अफोर्डेबल मेकअप लुक करने का, वो भी नायका के प्रोडक्ट्स के साथ। ये देख सकते हैं क्या पिगमेंटेड है, बहुत पिगमेंटेड। मैंने सिर्फ ज़रा सा लिया और उसी को मैं ब्लेंड पे ब्लेंड कर रही हूँ। सो हम एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं और देखते हैं कि कितना नेचुरल लुक देता है, व्हाट अ लुक। आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हमें एक साथ ही यूज़ करने चाहिए। और फिर अगर आप मैं अभी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट लगा लेती तो फिर मैं ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाती, इसलिए आप देख सकते हैं। और बाय द वे, ये जो ड्रेस है ये अर्बेनिक की है, तो अर्बेनिक का भी बहुत जल्दी एक फुल हॉल आने वाला है। अर्बेनिक सारा, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है अर्बेनिक से, बिकॉज दिस इज़ माई बर्थडे मंथ, तो मैंने बर्थडे तो चला गया बट चलिए अब इसको हटाते हैं और इसको हम अच्छे से एक बार सेट कर देते हैं, फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिखाती हूँ, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जिसकी बहुत हाइप हो रखी है, बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी है इस टाइम, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। हमारा लूज, मैं लूज पाउडर की बात कर रही हूँ, जो है पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर, आप देख सकते हैं। पहले हम इस तरीके का, जो इस तरीके की पैकेजिंग वाला हम लैक्मे का यूज़ करते थे बचपन में, मुझे याद है मेरी मम्मा यूज़ करती थी, तो और वही मैं भी यूज़ करती थी, तो वो ये लूज पाउडर है। मेरे पास HD इनसाइड का भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इतनी हाइप पे है पॉन्ड्स का, तो मेरा मन करा क्यों ना यूज़ करा जाए। ये ऑयल फ्री है, ये भी आपको ऑयल बिल्कुल भी आपके फेस पे ऑयल नहीं लाने देता और इवन टोन करता है आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा, मतलब ना एक इसके अंदर कवरेज भी है इस पाउडर में, वो आपको कवरेज भी देता है कि आप सिर्फ ये पाउडर लगा के भी मेकअप ब्लश ऑन लगा के लिपस्टिक लगा के बाहर जा सकते हो। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा, और ये बहुत अफोर्डेबल है, ये सिर्फ मुझे 125 रुपये का मिला है और मेरा बहुत मन था कि मैं ट्राई करूँ, और ये अफोर्डेबल भी है। आप देख सकते हैं इस तरीके का है, और इसमें एक ये पफ मिलता है, ठीक है। इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है, मैं यूज़ करके ही आपको बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप पाउडर को अपने इसमें कर लीजिए, ठीक है, इसमें कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर नहीं तो आप इसकी कैप को भी हटा सकते हो।
अब इसको हम आप चाहें थोड़ी देर और रख लीजिए, मैंने मेरे को नहीं रखना था ये ज़्यादा देर तक, क्योंकि ऑलरेडी मेरे थोड़ी ना पिंपल्स की वजह से क्रीम वगैरह लगा के स्किन थोड़ी ड्राई ना ड्राई हो रही है और वो पैचेस क्रिएट कर मैं आपको सकता है। दिखा रही हूँ ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल, ये भी बहुत सस्ती है तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई की जाए। ये डार्क ब्राउन कलर में है, इसमें एक स्पूली भी आता है आगे लगा हुआ, तो इससे मैं अपने आईब्रोज बनाऊंगी। मैं यूजुअली पाउडर से ही मतलब जो आई शेडो पाउडर है उससे ही बनाती थी और उससे मैं कंफर्टेबल भी थी, पर मैंने कहा इस बार जरूर चलो पेंसिल कोई ब्राउ पाउडर ना मंगवा के पेंसिल से ट्राई करती हूँ। ये ब्रश भी अच्छा है, स्पूली की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रैवलिंग में भी आपको ये बहुत सही रहेगा। ठीक है आप देख सकते हो, आई शेडो के लिए मैंने दो प्रोडक्ट्स लिए थे, एक है ये स्विस ब्यूटी का आई लाइनर कह सकते हो आप इसे, काजल, वैसे ही आई लाइनर में ही दिखा था मेरे को, आई लाइनर काजल दोनों का काम करता है, मैंने ब्लू कलर में मंगवाया है तो इसको भी मैंने लगाया था और ये बहुत अच्छा है, 06 है इसका शेड। नेक्स्ट मैंने एक कॉपर से कलर की आई शेडो मंगवाई थी इन कलर की, ये भी सस्ती थी, 60 समथिंग की, 45 60 समथिंग की थी ये। ये थोड़े से यूनिक तरीके से खुलती है, कहाँ से कैसे खुलती, ये ऐसे करके खुलती है और ये वाला शेड है, कोपरिश कलर है। पर इससे मैंने एक डेप्थ क्रिएट कर दी और ये डेप्थ क्रिएट करने के बाद हम ये जो लाइनर काजल है, दिस इज़ द लाइनर एंड काजल, इसको भी हम अपनी आईलाइनर की तरह इसे हम ड्रॉ, आप देख सकते हैं मेरा आज विंग लगाने का मन नहीं है मेरा, ये बस ऐसा लुक भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो हल्का सा ये जो फिल इन नहीं है ना, इसको हम फिल कर लेंगे, सो दिस इज द लुक, कैसा लग रहा है आई लुक। ये बहुत पिगमेंटेड है और ये बहुत सस्ती थी, आई थिंक 45-50 रुपीज़ की है और मुझे अच्छी लगी, जितने की भी होगी मैं यहाँ लगा दूंगी, सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये पिगमेंटेड इतनी है, इसमें मैं सोचूँ मैं सारे कलर्स ले आप देख मंगवा लूँ। सकते हैं मेरा आई लुक, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। हमारे पास लाइनर भी है, वो है NYB का लाइनर, सो ये वाला लाइनर भी बहुत अच्छा है पर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने फिर भी रख लिया था कि बाई चांस ये ब्लंडर हुआ, ये वाले लाइनर का लाइनर ना लगा, वो सिर्फ काजल लगा, तो मैं ये लगा लूँगी, पर इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इनसाइड का हाइलाइटर, ये है 02 मून स्टोन ब्लिस करके है, सो ये बहुत अच्छा है इसके लिए, एक्चुअली नेल्स की वजह से, आप में नेल्स देख सकते हैं आप, ये ऑम्ब्रे इफेक्ट मैंने कराया, तो इसके लिए हम कोई भी ब्रश ले लेते हैं, उससे हम अपनी आईज पे, ये बहुत अच्छा है लगते ही एकदम ड्राई, बहुत सस्ता है, आजकल सस्ते में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो आ लोकल ना लेने से तो बेटर है कि आप क्या कीजिए, अब हम ये पाउडर अपने आईज के नीचे वाला हटा देंगे साथ ही साथ इसी ब्रश से, और इसी ब्रश को थोड़ा सा साफ करके इसी से हाइलाइटर लगाएंगे, ये क्रीम हाइलाइटर है, देखते हैं लगता है कि नहीं। इससे एक्चुअली क्या है ना, ये फिंगर से जल्दी ब्लेंड होता है क्योंकि क्रीम है, पर इसकी ये जो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है हमारे हर जगह, और
आपको 80 रुपीज में, 70 रुपीज में इतना ब्लिंकी हाइलाइटर मिल रहा है। मतलब मेरा मन तो है कि ऐसे हाइलाइटर और सारे ब्रांड्स को बनाने चाहिए। इनसाइड के प्रोडक्ट्स दिन पे दिन अच्छे हो गए हैं। मैंने इनसाइड का एक फुल मेकअप लुक भी किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं जिससे। सो गाइज, अब मैंने लिपस्टिक के लिए क्या लिया, वाई लिप्स के बारे। सो लिप्स के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लिए ये दो लिपस्टिक। ये है ब्लू हेवन की। सो ये दो लिपस्टिक्स लिए मैंने, ये ब्लू हेवन की है और एक तो है मोका मैडनेस। सो आप देख सकते हो, ठीक है, ये भी मैंने 2-4 बार लगा ली। ये देखिए, दिस इज़ B02 मोचा मैडनेस, ठीक है, ये वाली है एक। और एक मैंने मंगवाई है मेडलॉट मैजिक RM06। ये थोड़ी डार्क है, डार्क आ गई, एक्चुअली मुझे थोड़ी लाइट चाहिए थी, पर चलिए ठीक है। ये मेरी सिस्टर लगा लेती है, थोड़ी हैवी मतलब थोड़ी डार्क कलर्स वो लगा लेती है बिना किसी टेंशन के। तो एक ये पर्पलिश मेहरूनिश शेड है, ये देख सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ लाइट वाले के साथ जाऊँ, मोका वाले के साथ जाऊँ। सो हम मोका वाले के साथ जाएंगे, मतलब लाइट शेड के साथ, क्योंकि मैच करेगा।